अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिसिप्लिन क्या है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिसिप्लिन से ऐसी क्या गुर चार गुर हैं जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए चार गुर डिसिप्लिन से निकाले हैं जो कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे आपको। दोस्तों, स्टे ट्यून विद मी। मेरा YouTube चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताता हूं कि डिसिप्लिन, जिसको हम नज्मो जब्त कहते हैं, जिसको हम एक तौर तरीका कहते हैं, जिसको हम बचपन से लेके वो तरबियत जो हम बचपन से ले रहे होते हैं अपनी लाइफ गुजारने के लिए, वो तौर तरीके जो हमें हर शख्स का मजहब उसको सिखाता है, वो उसका डिसिप्लिन होता है। हर मजहब की कुछ लिमिट्स होती हैं, वो उसका डिसिप्लिन के तहत होती हैं। हर मजहब के कुछ टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हर मजहब में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैनेज करना जरूरी है और वो तमाम चीजें मैनेज होती हैं डिसिप्लिन की वजह से। हर मजहब में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना होता है और वो उसी सूरत में अवॉइड होती हैं जब हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा चार्ट बनाया मैंने, ये देखें, ये कैमरे में नजर आ रहा है, देखिएगा जरा, ये कैमरे में नजर आ रहा है, मैं कह रहा हूं, हाँ जी, ये देखें, ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन में हमारे पास सबसे पहले मैनेज आता है। मैनेज क्या है? हमने मैनेज करना है, ये डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन में हमने मैनेज करना है शॉर्ट टर्म क्राइसिस को। हर शख्स की लाइफ में शॉर्ट टर्म क्राइसिस आते हैं, उनको मैनेज करना होता है। किस तरह मैनेज किया जाता है? उनका टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, उसका क्राइसिस की जो शिद्दत है उसको मैनेज करना होता है। क्राइसिस किस चीज का है उसको मैनेज करना है, ये सब कुछ डिसिप्लिन के जरिए आता है। आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गया उसको मैनेज करना है आपने, डिसिप्लिन के तहत मैनेज करना है। अगर आप ये है कि आपका टाइमिंग सुबह की ऑफिस की है, आपकी फैक्ट्री, आपके वर्कशॉप, आपके टारगेट, आपका जो भी आपकी वर्किंग है उसकी जो टाइमिंग है उससे 2-3 घंटे बाद में आप जाते हैं अपनी वर्कशॉप पे, अपनी वर्क प्लेस पे, तो आप टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते, आप अपने प्रोजेक्ट, अपने काम को मैनेज नहीं कर सकते। आप लोगों ने मैनेज करना है जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है और अर्जेंट होती हैं। हर शख्स की लाइफ में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आपने फोकस करना है, आपने उनको मैनेज करना है फौरन। कुछ चीजें अर्जेंट होती हैं, उनको फौरन मैनेज करना है आपने, अर्जेंट चीजों, इंपॉर्टेंट चीजों को फौरन मैनेज करना है आपने। ये आपको डिसिप्लिन में से एक पहला गुर बता रहा हूं कैसे करना है आपने। अर्जेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज को मैनेज करना है, आपके शॉर्ट टर्म जो क्राइसिस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मैनेज करना है आपने। दूसरी चीज है फोकस। हर शख्स की लाइफ में दूसरा मेन जो एक एजेंडा है फोकस है। ये देखें, ये फोकस है। हर शख्स अपनी आंखों से, अपने दिमाग से प्लानिंग कर रहा होता है, उसमें फोकस कर लेता है कुछ चीजों को, कुछ टारगेट फोकस करता है, कुछ अपने एम्स फोकस करता है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग फोकस करता है, लेकिन उसका मायार क्या है? डिसिप्लिन आपको बताता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है, स्ट्रेटेजीज जो होती हैं, वो गोल को मद्देनजर रखते हैं कि वो दूर जाके गोल है मेरा, उस गोल को मैंने अचीव करना है, कैसे करना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है इंसान। याद रखिए, आपने बनानी है। कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो अर्जेंट नहीं होती। जो अर्जेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमारे टारगेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में वो शामिल होते हैं। मैनेज भी हो गया, फोकस भी हो गया। तीसरे नंबर पे आ गया अवॉइड। आपने कुछ चीजों को नज्मो जब्त के तहत अवॉइड करना है, आपने हर उस चीज को डिस्ट्रैक्ट करना है जो आपको बाइफरकेट करती है आपके माइंड को, आपकी प्लानिंग को और आपकी हार्ड वर्किंग को, आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करती है, इंटरप्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको आपने गेट रिड ऑफ कर देना, खत्म कर देना अपने दिमाग से, उससे दूर हो जाना है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? उसके बाद कुछ चीजें हमारी लाइफ में अर्जेंट होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनको भी आपने अवॉइड करना है।
मतलब एक चीज है आपका, एक टारगेट है आपका, एक होमवर्क है, उस होमवर्क में एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, लेकिन आप उसको ना करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को इंपॉर्टेंस दे। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है जी लिमिट। ये लिमिट, ये लिमिट आ जाता है जी। लिमिट में क्या होता है कि हम टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को खत्म कर देते हैं, हर उस एक्टिविटी को खत्म करेंगे, अपनी प्लानिंग से बाहर निकाल देंगे जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही होगी। उसके बाद हर उस चीज को हम खत्म कर देंगे, उसके फॉलो नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे, उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जो अर्जेंट नहीं होगी। हम उसको क्यों पकड़ेंगे? हमने उसको एक लिमिट रख देनी है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट टच इट। जो अर्जेंट नहीं है, डोंट टच इट। जो टाइम वेस्टिंग चीज है, उसको डोंट टच इट। तो ये चार चीजें हैं जी, अगर आप इन चार चीजों को फॉलो करेंगे तो आई एश्योर यू कि ये वो गुर हैं डिसिप्लिन के, जिनकी वजह से आप कामयाब होंगे। अपने लिमिट्स बना लें कुछ चीजों की, कुछ चीजों से अवॉइड हो जाएं, चीजों को मैनेज करना सीख लें, और ये उसी सूरत में आएंगी जब आप में डिसिप्लिन आ जाएगा। कुछ चीजों को फोकस कर लें, अपने टारगेट को फोकस कर लें, ये उसी सूरत में आएंगी जब आप में डिसिप्लिन आ जाएगा। ओके गाइज, स्टे ट्यून्ड विद मी। अगली वीडियो तक मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।